ही गए होंगे, कद्दू मतलब कम्बिन। तो ये इस तरीके का होता है। आपने मैंने इसको काट कर इसका जो भी गूदा है ये निकाल कर रख लिया हुआ है, और ये बिल्कुल आलू फ्राई की तरह ही लगती है। आप सोच रहे होंगे कद्दू तो अच्छा ही नहीं होता टेस्ट में, ऐसे हम कैसे खाएं, बच्चे तो बिल्कुल पसंद नहीं करते, नाम से ही छोड़ देते। लेकिन नहीं, इसको मैं बिल्कुल आलू फ्राई बनाते हैं जो हम जीरा से भगा कर, वही वैसे ही लगेगी और ये बहुत टेस्टी है। स्पेशली स्टूडेंट्स और बच्चे जो नहीं पसंद करते वो भी पसंद करेंगे। जब मैं स्टूडेंट थी मैं भी इसको देखकर सुनकर बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन जब मैंने इसको ट्राई किया ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या क्या लगता है। इसमें हल्दी बघारने के लिए हम मेथी दाने का यूज़ करेंगे, और ऑप्शनल है ये आपको डालना है कि नहीं। कुछ मैंने खड़ा धनिया और एक हरी साबुत लाल मिर्ची ली हुई है, और टेस्ट के लिए बाद में हम उसमें अमचूर पाउडर डालेंगे। बघार में ही हम हींग डालेंगे, हींग डाइजेशन के लिए अच्छी होती है। नमक और कुछ हम ऑयल ले लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इसको बताती हूँ कि इसे कैसे बनाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने ऑलरेडी पैन अपनी रखी हुई है प्री हीट पर, तो मैं इसको तेज कर दूंगी और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। इसमें भी आलू की तरह ऑयल बहुत कम डलता है क्योंकि ये ऑयल फीता नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हो ये मैंने ऑयल स्प्रेड इसमें कर दिया है। नॉन स्टिक में बनाएंगे तो और कम ऑयल लगता है, इसलिए मेरा नॉन स्टिक भी है और बहुत कम ऑयल मैंने डाला हुआ है। तो ये प्री हीट हो गया है, एक दाना डाल के देख लेती हूँ। अभी नहीं हुआ है, थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा। तो ये हो गया है, अब इसमें मैंने कुछ मैगी के दाने डाल दिए हैं। जैसे आप देख रहे हैं इसमें मैंने साबुत मिर्ची और धनिया भी डाल दिया है, और मैं इसको थोड़ा सा ऐसे भूंजूंगी। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा ये हींग डालूंगी। हींग क्या है, डाइजेशन भी अच्छा करता है और खाने को भी टेस्टी होता है। ये मैं हींग डाल देती हूँ, अगर किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने ये कर दिया है। इसके बाद मैं ये सब्जी डाल दूंगी। हम मिक्स कर लेंगे। हम देख रहे हैं ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे। हल्दी पाउडर हम पहले डाल देते हैं तो क्या होता है, हल्दी अच्छी तरह से हमारी सब्जी में अब्जॉर्ब हो जाती है, और अगर हम सब्जी को भूनने के टाइम डालते हैं तो ये जल जाती है। ये जब हमारी सब्जी अच्छी तरह से भून जाए तब हम इसे ये डाल दिए। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे जिससे ये अच्छी तरीके से ही चुभ जाए, मतलब कि अच्छा इसमें सॉफ्ट फ्राई सॉफ्ट हो जाए सारी। तो हम इस तरीके से इसको ढक देंगे। अब हम 5 मिनट तक इसको, चलिए हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं। देखिए कितनी प्यारी सी सब्जी दिख रही है, कितनी कलरफुल है। अभी मैंने इसको थोड़ा सा चलाने के लिए खोल दिया है, अभी ये सॉफ्ट नहीं हुआ है। तो हम इसको फिर से ढक देंगे और फिर से 5 मिनट वेट करेंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि हमारे सब्जी पकी नहीं पकी। वाह, दिस इज सो ऑसम। सी ये पक चुकी है, या इट्स डन। लिटिल बिट 5 मिनट्स टू फ्राई। इसको 5-10 मिनट हम हाई फ्लेम पर रख के अच्छी तरीके से कुरकुरा सा फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। हम कम नमक डाल दें तो मैंने कम नमक डाला है, और स्वाद के लिए अमचूर पाउडर, ये हमारी सब्जी को अच्छा खट्टा सा टेस्ट दे देगा। टेम्पटिंग दिख रही है ना,
वो यम्मी है। अब हम इसको तेल फ्लेम पे थोड़ी देर और पकने देंगे, ठीक है। तो 2 मिनट और हाई फ्लेम पे रखने के बाद ये होती है रेडी। तो हमारी कद्दू की या पंपकिन की सब्जी रेडी हो गई। अब इसमें हम थोड़ा सा अच्छा सा स्वाद और दिखने में सुंदर बनाने के लिए इसमें हम थोड़ी सी हरी धनिया डालेंगे कटी हुई, एंड दैट्स रेडी। गैस ऑफ कर दिया। अब देख लें हरा हरा कद्दू हमारा बन गया। तो थैंक यू सो मच गाइस वॉच माय चैनल। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ मैं बहुत मेहनत से और प्यार से बनाती हूँ गाइस, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।